ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर, ठीक है? चैप्टर का नाम है वेक्टर। तो बेटे इसको फास्ट फास्ट पढ़े कि धीरे धीरे पढ़े? फास्ट फास्ट ना, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीजें आपको आती होगी। जहां पर लगे कि इस चीज को डिटेल में समझना है तो वहां पर बोलने का, सर इसको थोड़ा धीरे पढ़ाइए, ठीक है? शर्माना नहीं बिल्कुल। हाँ तो चलो एकदम रॉकेट की स्पीड से पढ़ेंगे वेक्टर। तो क्या होता है बच्चे वेक्टर? कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है ना, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है? इसके साथ साथ उसके पास उसको जो है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। इफ एनी क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड, हैज डायरेक्शन एंड ओबेज क्या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन दे आर कॉल्ड वेक्टर, ठीक है? स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है? स्केलर जो क्वांटिटीज होती है उनको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए वही सिंपल रूल्स यूज होते हैं जो हमने क्लास 10th तक के अलजेब्रा में पढ़ा है। लेकिन जो वेक्टर होता है उसकी दुनिया थोड़ी अलग है। उसको ऐड करने का तरीका, उसको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका, उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका, सब कुछ क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो एक अलग ही इसकी दुनिया बसा दी गई है। जैसा आप नॉर्मल अलजेब्रा पढ़ते हो वैसे ही वेक्टर की अपनी एक अलजेब्रा है, जिसको अपन क्या कहते हैं, वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं, जिसमें हम इसको ऐड करने के तरीके, सब्ट्रैक्ट करने के तरीके, मल्टीप्लाई करने के तरीके सीखते हैं। समझ गए क्या? ओके बेटा, तो वेक्टर में, और ये चीज ध्यान में रखना कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ उसको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल करंट, करंट के पास क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, पर फिर भी वो वेक्टर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, वो सिंपली ऐड हो जाता है, सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसा अलजेब्रा में होता है ना? इसलिए हम उनको वेक्टर नहीं कहते हैं। आगे बात समझ में? तो बेटा जो भी कोई क्वांटिटी वेक्टर होगी उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, है ना? ये होता है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, है ना? इसकी जो लंबाई होगी, ये क्या बोलते हैं इसको बेटा, एरो बोलते हैं, है ना? तो इसकी जो लंबाई होगी बेटा वो इसका क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। जो लेंथ है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बताता है। जो जितना लंबा उसकी मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा, और ये जो एरो का डायरेक्शन है वो वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। तो देखो इसके पास क्या है, दोनों चीज है ना, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? सिंबल, ऐसी क्वांटिटीज जो भी वेक्टर होंगी उनके सिंबल के तौर पर उनको अलग दिखाने के लिए हमने एक सिंबल बनाया। क्या सिंबल है? जो भी क्वांटिटी है, जैसे कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उस पर क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे। इससे ये बात साबित होती है, इससे ये बात आपको पता चलता है कि ये जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है, ठीक है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वी विल पुट एरो। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वी विल पुट एरो, है ना? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वी विल पुट एरो। अंडरस्टूड? तो जितनी भी क्वांटिटी वेक्टर होंगी उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। बुक्स में क्या करेगा बेटा, इसको कहीं पर एरो के साथ दिखाएगा तो कहीं पर बोल्ड लेटर में लिख देगा। बोल्ड लेटर का मतलब भी क्या हो जाता है, उसका मतलब हो जाता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। आ रही बात समझ में? बोल्ड लेटर या फिर एरो दे करके आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन चूंकि हम कॉपी में लिखते हैं तो हम बोल्ड करते थोड़ी बैठेंगे, तो हमारे लिए क्या आसान है, एरो डालना हमारे लिए ज्यादा आसान है। समझ गए क्या? अच्छे से समझा? तो बेटे एक वेक्टर के पास, जैसा मैंने बोला कि उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास डायरेक्शन होता है, समझ गए क्या? मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग मॉडुलस यूज करते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या देता है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है? और डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। समझा क्या? यूनिट वेक्टर। आ रही बात समझ में? क्लियर है? मैग्नीट्यूड के लिए क्या निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। और डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है? तो क्या होता है यूनिट वेक्टर, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है मेरी बात? अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, वेक्टर के कई सारे टाइप्स होते हैं, एक एक करके हम लोग उसको बात करेंगे, ठीक है?
पहला वेक्टर हो गया बेटा जैसे कि नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। ठीक है, नल वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, समझ गए। दूसरा होता है बेटा जो मैंने अभी बताया आपको, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या हुआ बेटा? जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है। पर भैया तो यूनिट वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इंपॉर्टेंस क्या है यूनिट वेक्टर का? तो जैसा कि यहां देखो मैंने लिखा है, बोलो बोलो क्या लिखा है कि ये किस लिए यूज होता है? डायरेक्शन बताने के लिए। इट टेल्स डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, है ना, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का मुझे डायरेक्शन चाहिए तो वी विल फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर, समझ गए। उस वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर निकाल लिए तो वो हमें डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, तीसरा होता है बेटा, थर्ड इज इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स क्या हुआ? इक्वल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, सब में इक्वल है तो वो दोनों वेक्टर आपस में क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तो देखो लंबाई भी बराबर, एरो का डायरेक्शन भी बराबर, तो इस कंडीशन में वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, समझ गए क्या। चौथा नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, नेगेटिव वेक्टर। अभी तक जो मैंने बोला उसमें यूनिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा अगर हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए, अगर आपको इसका नेगेटिव वेक्टर चाहिए कुछ मत करो, सिर्फ डायरेक्शन पलट के रख दो। ठीक है, मैग्नीट्यूड को कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन पलट देना है। ठीक है, मैं अगर पॉजिटिव वेक्टर हूँ तो अब मैं नेगेटिव वेक्टर हो गया, समझ गए क्या। आगे बात समझ में, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना अगर उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो वो उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा, काफी यूज होता है। ठीक है, ये हो गया आपका, समझ रहे हो ना बात। आगे पांचवा, इसको कहते हैं बेटा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, उनके बीच का एंगल जीरो है ना बेटा, तो वो क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। आ रही बात समझ में। छठा, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या होगा एंटी पैरेलल? अरे बोलो, एंटी पैरेलल का मतलब एक इस तरफ तो एक दूसरा पैरेलली अपोजिट में। ऐसे सिचुएशन में थीटा कितना बेटा, समझ रहे हो, थीटा इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री, अंडरस्टूड। ठीक है, सातवां, सातवां को लीनियर वेक्टर। को लीनियर वेक्टर नाम से ही समझ में आता है, को मतलब कॉमन, लाइन है ना, सेम लाइन पर लाई करने वाले वेक्टर्स, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये सब वेक्टर सेम ही लाइन पर ड्रॉ किया है हमने, तो ये सब क्या हो गए? कोलिनियर वेक्टर हो गए, समझ रहे हो ना। आठवां को प्लैनर वेक्टर, को प्लैनर वेक्टर। ठीक है, देखो इसमें भी नाम से समझ में आ रहा है, को मतलब कॉमन, प्लेन, कॉमन प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर, सेम प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर क्या कहलाएंगे? को प्लेनर वेक्टर। एक दो तीन, ए बी सी सब बोर्ड के ऊपर बनाया ना मैंने, बोर्ड एक प्लेन हुआ ना, तो सेम प्लेन में ये तीनों हो गए। सारी बात समझ में, तो ये क्या हो गए? को प्लेनर वेक्टर। अगर मैंने एक इधर बनाया होता, एक इधर बनाया होता और एक इधर बनाया होता, तो ये सेम प्लेन नहीं हुआ, बोर्ड प्लेन में दो है और ये तीसरा, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे तरह के क्या हो सकते हैं? वेक्टर्स हो सकते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर आपको समझ में आ गया बेटे? ओके, आठ हो गए ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एटसेट्रा। अब उसके पहले एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। ठीक है, एक बार फिर से बात करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में, बिकॉज यूनिट वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट वेक्टर इसको निकालना सीखना बहुत जरूरी है, यूनिट वेक्टर। तो बेटे मान लो ये एक वेक्टर है वेक्टर ए,
ओके इसका मुझे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर के लिए एक अलग सिंबल यूज किया जाता है, क्या एरो की जगह कैप लगाते हैं, क्या करते हैं एरो की जगह कैप लगाते हैं। ये इसका इस वेक्टर का क्या कहला रहा है, यूनिट वेक्टर कहला रहा है। कैसे इसको डिफाइन करते हैं, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो आपको क्या मिल जाता है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर गिव्स यू व्हाट, डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का आपको डायरेक्शन निकालने बोल रहा है, तो तुरंत उसका क्या कर लेना है, यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर को डिवाइड कर देना है। बहुत ही सिंपल है। तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, समझ गए। अब बेटे कुछ जो है ना, हमने डायरेक्शन, जैसे कि कुछ हमारे पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन होते हैं, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, ये सब डायरेक्शन क्या स्पेसिफाइड डायरेक्शंस हैं, है ना। उसी तरीके से फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग एक स्टैंडर्ड के तौर पर यूज करते हैं, है ना, डायरेक्शंस के लिए। अंडरस्टूड, अभी तक आपने यही देखा है, ज्यादातर अपन क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस वगैरह को अपन क्या करते हैं, डायरेक्शंस के लिए यूज करते हैं। तो अपन ने एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए, है ना, स्पेशल यूनिट वेक्टर चूज करके रखा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, आई कैप, वाई के लिए एंड, समझ गए ना, ये हम लोग स्पेशल है हमारा, एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप एंड जेड एक्सिस के लिए के कैप। ये सब किसके रिस्पेक्ट में बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो माइनस आई कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएंगे तो माइनस जे कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस पर जाएंगे तो माइनस के कैप, समझ गए। तो हमने देखो तीन और तीन छह डायरेक्शन तो ऐसे ही क्या कर लिए, दिखा दिए, उसके लिए क्या क्या यूज होगा वो हमने समझ लिया। आगे बात समझ में बेटा, तो आई जे के का बहुत इंपॉर्टेंट है, आई फॉर एक्स एक्सिस, जे फॉर वाई एक्सिस, के फॉर जेड एक्सिस। आगे इतनी बात समझ में आपको, बोलो बच्चे, ओके। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी लाइन की बात करनी है, ठीक है, अगर हमें किसी लाइन की बात करनी है तो हमें कितने एक्सिस की जरूरत पड़ेगी बेटा, ओनली वन एक्सिस, ठीक है। अगर मुझे प्लेन की बात करनी है तो मुझे कितने एक्सिस लगेंगे, एटलीस्ट टू एक्सिस। और अगर हमें स्पेस के बारे में बात करनी है तो वी विल रिक्वायर ऑल द थ्री एक्सिस। समझ में आया क्या, वन लाइन के लिए। तो बेटे अगर मुझे वन लाइन में कोई चीज को एक्सप्लेन करना है तो आइदर आई विल रिक्वायर आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। अगर मैं प्लेन में किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, किसी वेक्टर को, तो वहां पर आइदर आई जे, जे के और के आई, समझ गए क्या। और इफ आई नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग इन स्पेस देन आई विल रिक्वायर ऑल द थ्री आई जे एंड के, समझ गए क्या, अच्छे से समझा बच्चे लोग, ओके। तो बेटे हम लोग यहाँ पर, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं एक लाइन पर चल रहा हूँ, जैसे कि हमने एक पूरा चैप्टर 1D पे पढ़ा है ना, उस पर क्या होती थी, एक लाइन पर बात होती थी। तो बेटे अगर मैं इधर चलता हूँ, ओरिजिन से चलना शुरू किया और यहाँ गया मैं 6 मीटर, ठीक है बेटा, तो 6 मीटर मेरा क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड हो गया। और वॉट इज दिस डायरेक्शन, आई कैप, सो दिस वैक्टर इज 6 i कैप, है ना, मेरा पोजिशन हो गया ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये मेरा पोजिशन हो गया। पोजिशन वेक्टर को हम किससे शो करते हैं, आर से, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा पोजिशन वेक्टर की, व्हाट इज पोजिशन वेक्टर, द वेक्टर डिस्क्राइबिंग द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल, है ना, किसी पार्टिकल का पोजिशन बताने वाला वेक्टर क्या कहलाता है बेटा, पोजिशन वेक्टर कहलाता है, समझा। तो अगर एक लाइन में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा होगा तो उसका जो पोजिशन होगा उसके लिए मुझे एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, स्पेस के लिए 2 एक्सिस की, और स्पेस के लिए, प्लेन के लिए 2 एक्सिस की और स्पेस के लिए
तीन एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, समझ गए? तो बेटा अगर मैंने एक्स एक्सिस में 6 मीटर चला तो मैं 6 आई कैप लिखूंगा, मैं अगर वाई डायरेक्शन में 6 मीटर चलता तो क्या लिखता, 6 जे कैप, अगर मैं जेड एक्सिस पे चलता तो मैं क्या लिखता, 6 के क्या, समझ गए, है ना? 6 मीटर पीछे चलता तो मैं क्या लिखता, -6i, 6 मीटर नीचे चलता तो क्या लिखता, -6j, अगर मैं 6 मीटर इधर जाता अंदर तो -6k कैप। आगे बात समझ में? अब हम बात करेंगे प्लेन की, ये लाइन की बात थी। अगर मैं किसी प्लेन में हूँ, ठीक है बेटे, अगर मैं किसी प्लेन में हूँ एक्स वाई यहाँ पर हूँ मैं, तो मेरा पोजिशन वैक्टर क्या हो गया बेटा, दिस विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑरिजिन माई पोजिशन इज दिस, ठीक है? तो ये हुआ हमारा आर वैक्टर। तो हमें क्लियरली दिख रहा है बेटा कि हमने x पे कितना चला, इतना चला, तो इसको मैंने बोल दिया मान लो ये दिस डिस्टेंस इज x, ठीक है? तो डायरेक्शन के साथ एक्स आई कैप, इधर देखो मान लो मैंने बोला y, तो ये वाला कितना हो गया बेटा y, और डायरेक्शन क्या है j कैप। तो मैं इस वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ बेटा, r वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक। दिस इज द पोजिशन वेक्टर इन प्लेन। तो कोई भी दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी हमें अगर मैं पोजीशन वेक्टर इन प्लेन की बात कर रहा हूँ। आर की बात समझ में, ठीक है? तो आर वेक्टर क्या हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे कैप, अच्छे से समझ में आ रहा है? अब देखो है क्या, आई और जे और के, है ना, आई और जे के बीच का एंगल कितना है बेटा, जे और के बीच का एंगल कितना है, इसके इसके बीच में, है ना? तो ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, है ना? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक है ना? इसलिए हम लोग इसको रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर, क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एक्सिस क्या होते हैं, देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आ रही बात समझ में? तो बेटे तो देखो ऑब्वियसली ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये इसके हाइपोटेनियस के जैसा काम कर रहा है। मैंने आपको बोला कि किसी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो उसकी लंबाई होती है। हम ये लंबाई कैसे निकालेंगे, तो सर पैथागोरस से निकालेंगे, है ना सर? पैथागोरस से निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजिशन वेक्टर। तो ये जो एक वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो तो आपने क्या किया, आई का जो कॉफिशियंट था उसका स्क्वायर लिया, जे का जो कॉफिशियंट था उसका स्क्वायर लिया। अब बेटे आई के साथ चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अपन क्या कर रहे हैं, उसको स्क्वायर कर रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, चाहे वो माइनस रहे चाहे वो प्लस रहे, जुड़ेगा ही जुड़ेगा स्क्वायर हो करके, नहीं समझा? तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं? यस सर, हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं। डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ये हुआ हमारा डायरेक्शन, किसके साथ हुआ बेटा, एक्स एक्सिस के साथ। कैसे हुआ बेटा, तो टेन फाइव बराबर मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर दैट इज वाई बेस दैट इज एक्स, तो टेन फाइव इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। वाई क्या था बेटा, जे का कॉफिशियंट, और आई क्या है, एक्स क्या है, आई का कॉफिशियंट। तो जब अपन जे का कॉफिशियंट अपॉन एक्स का कॉफिशियंट करते हैं तो वहां से टेन फाई मिलता है, ठीक है? शर्त बस इतनी है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंगल आया वो किसके साथ आया है, एक्स एक्सिस के साथ है। दो एंगल होगा ना, एक इधर और एक इधर, तो ये कौन सा एंगल मिला, एक्स एक्सिस के साथ मिला, समझ आया कि नहीं? तो हमारे पास क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है, हमारे पास डायरेक्शन आ जाता है। तो जो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे थे कि मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है, तो हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, तो बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द कोफिशिएंट्स, स्क्वायर्स लेने हैं, सम करने हैं और रूट लेने हैं सारे कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के। आई बात समझ में, क्लियर है? ओके, तो यहां से हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी वेक्टर का निकाल सकते हैं, समझ गए इतनी बातें हम? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई साहब एक वेक्टर r है 3i प्लस 6j, तो बताओ इसका मॉडुलस कितना होगा, यानी मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्या करोगे बेटे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 9 45, रूट अंडर 45, है ना, 9 पचे 45, 3 रूट 5, मैग्नीट्यूड हो गया बेटा। आ रही बात समझ में, हमसे पूछेगा डायरेक्शन,
तो सर ने बताया है टेन फाइव बराबर होता है, जे का कोफिशियंट 6 है, आई का कोफिशियंट 3 है, 3 टू जा 6 होता है, टेन फाइव बराबर 2 आया। जब कोई वैल्यू आपके रडार के बाहर हो जाए, आपने कितनी वैल्यूज पढ़ी भाई, 10:30, 10:0, 10:45, 10:60, 10:90 है ना, यहाँ तक रहे उसका वैल्यूज आपको पता है, 0, 1/√3, √3, 1 है ना, इन्फिनिटी, ये सब पता है। इसके अलावा कुछ आए तो है ना फिर हमारा दिमाग हैंग हो जाता है ना, तब उस सिचुएशन में 5 बराबर क्या लिखने का, 10 इनवर्स 2, समझ गए, इतना करके छोड़ देने का, ज़्यादा लोड नहीं लेने का है। ए, फिजिक्स पढ़ना बहुत आसान है, जहाँ लोड आता है उसको छोड़ देने का, तुम लोग को कितना बार बताऊँ, है कि नहीं, देखो कितना मजा आता है, पूरा फिजिक्स छोड़ने का ऑप्शन नहीं है क्या सर? ये ऑप्शन नहीं, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। आ रही क्या बात समझ में, क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, डायरेक्शन निकाल सकते हो। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ बेटा, प्लेन की बात कर रहा हूँ, जहां पर क्या हो रहा है, दो एक्सिस की जरूरत पड़ रही है। लेकिन जब मैं स्पेस में बात करूंगा, पोजिशन वैक्टर इन स्पेस, तो मुझे तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, पोजिशन वेक्टर इन स्पेस या कोई भी वेक्टर इन स्पेस, ठीक है, किसी भी वेक्टर को हम आई जे और के फॉर्म में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं आर वेक्टर लिखता हूं भैया, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अगेन मेथड इज सेम है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड या तो ऐसे लिख सकते हो या सिंप एरो हटा दो, ठीक है, एरो हटा दो तो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है। बता दो बेटे क्या करेंगे, आई का कोफिशियंट एक्स, वाई का कोफिशियंट सॉरी जे का कोफिशियंट वाई, और जेड का के का कोफिशियंट जेड का स्क्वायर, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो कोई भी वेक्टर हो आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल पाने में अब सक्षम हो, है कि नहीं, पक्का ना, फटाफट बोलना जितना जल्दी हो सकता है, रॉकेट के स्पीड से ज्यादा बिजली के स्पीड से बोलोगे तो सही रहेगा, है ना। तो एग्जांपल y बराबर माइनस आई प्लस जे प्लस के, जल्दी, अरे बोलो, सॉरी वेक्टर a बराबर है, समझ गए ना, तो मॉड ऑफ वेक्टर a बराबर a 1 1 1 है ना, स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना, तो √3, समझा समझा। मान लो वेक्टर a बराबर माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k, जल्दी बोलो, मॉड ऑफ a, बोलो बोलो, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, 25 4 29, 29, ठीक है, कितना आसान है देखो। तो मैग्नीट्यूड निकालना हम सीख गए, पक्का, अच्छा अब थोड़ा घुटने पे जोर डालो और याद करो यूनिट वेक्टर निकालने का क्या क्या फॉर्मूला था, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर सीख चुके, मैग्नीट्यूड निकालना सीख चुके, तो यूनिट वेक्टर निकालना आसान हो गया हमारे लिए, है ना। मैं दूं फटाफट, चलो देता हूं, फाइंड यूनिट वेक्टर, है ना, फाइंड यूनिट वेक्टर किसका, ए का, जो कि है 2i 4j 6k, जल्दी बोलो, क्या सिंबल ए कैप बराबर क्या वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए कितना, दिस मच, 2i कैप 4j कैप 6k कैप, मैग्नीट्यूड रूट अंडर आई का 2 का 4 4 का 16 6 का 36, क्या आया बेटा, 2i 4j 6k, बोलो बोलो, है ना, 16 4 20, 56 हो गया क्या, नहीं 9 है क्या ये, नहीं 4 है ना, 16 4 20 36 56, √56, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर, समझा कि नहीं, हाँ अच्छे से समझा। अगर मैं बोलूं कि बेटा एक वेक्टर है वेक्टर b 3i -2j + 8k, मैं बोलता हूँ कि बेटा इस वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, इस वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, मतलब क्या करने बोल रहा हूँ, यूनिट वेक्टर निकालने बोल रहा हूँ, सो सिंपल, बता दो बेटा फटाक से, बोलो जल्दी,
है ना, इस वेक्टर को, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से बस डिवाइड करना है ना बेटा, यही हो जाएगा क्या इसका डायरेक्शन, यानी बी कैप क्या है मैग्नीट्यूड 9, 4, 68 64 64 4 68 और 97 ना, 3i-2j+8k/√77। कोई दिक्कत है? अब आपके दिमाग में कहीं ऐसा कोई कीड़ा चल रहा हो कि सर ने तो बोला था कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा है, चल रहा है क्या आपके दिमाग में? इसका मैग्नीट्यूड 1 है क्या? इसका मैग्नीट्यूड 1 है क्या? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए ना। अरे बोलो, क्या पढ़ा था हमने, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए ना, ये हमने यूनिट वेक्टर निकाला ना। तो सही बोला कि गलत बोला मैंने? कैसे, ये तो नहीं दिख रहा यूनिट वेक्टर इसका 1, दिख रहा है क्या, है क्या इसका यूनिट वेक्टर 1? मैग्नीट्यूड इसका कितना है, है? मैग्नीट्यूड इसका यूनिट वेक्टर का कितना है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो, 1 आ रहा है, आ रहा है 1? इसको करेंगे तो 1 ही आएगा, तुम्हारे देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है? अगर तुम्हारा 1 नहीं आ रहा है तो चश्मा चेंज करवाने का है, टीना वाला चश्मा लगाने का, टीना वाला समझते हो? अरे बाबा क्या करोगे, रूट अंडर है, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, आई का कोफिशियंट कितना है, 3/√77 का स्क्वायर क्या हुआ 9/77 प्लस 2/√77 का 4/77 प्लस 8/64/77 वाना रूट अंडर 77/77। ए मजा आया सर, नहीं आया सर, समझा कि मुझे मिला, ऐसे कैसे हो गया है क्या? समझा कि नहीं समझा? ठीक है, दिखे कैसा भी उसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा, है ना, तुम्हारे देखने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, समझा क्या, करके देखेंगे 1 ही आएगा। ओके, तो हम समझ गए यूनिट वेक्टर निकालना, बढ़ जाऊं मैं आगे, ठीक है? तो कभी भी डायरेक्शन पूछ ले फटाक से यूनिट वेक्टर निकालना है, या डायरेक्टली यूनिट वेक्टर निकालने बोले तो भी वही करना है, समझ गए बेटे? आगे बढ़ जाऊं, तो ये हुआ कि जब आप किसी वेक्टर को आई जे के फॉर्म में दिखाते हो तो ये वेक्टर को दिखाने का एक तरीका हुआ, और एक तरीका हमने जो स्टार्टिंग में देखा, जिसमें हम क्या करते थे, लंबाई को मैग्नीट्यूड मानते थे और एरो के डायरेक्शन को डायरेक्शन मानते थे, तो वो ग्राफिकल तरीका था, और ये क्या है आई जे के फॉर्म में, यानी रेक्टेंगुलर तरीका है। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब अपन क्या करेंगे, हम वेक्टर को क्या बोलते हैं, क्या बोलने वाला था, ऐड करने का तरीका देखेंगे, ठीक है, वेक्टर को ऐड करने के तरीके देखेंगे, या उसके पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ एनी स्केलर क्वांटिटी। अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी स्केलर की वेक्टर, ठीक है, अगर आप उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो m इंटू वी, क्या होता है मोमेंटम वेक्टर की स्केलर, समझ आया, क्या समझा इससे कि अगर मैं किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा, ठीक है, आया क्या समझ में, इफ एनी वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विथ एनी स्केलर द रिजल्ट विल बी वेक्टर। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई हुए तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी वेक्टर, बट अगर वेक्टर और वेक्टर मल्टीप्लाई हुए तो कुछ भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमने उसको मल्टीप्लाई कैसे किया है,
वेक्टर को मल्टी वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट आपको रिजल्ट में स्केलर देता है और वेक्टर प्रोडक्ट में रिजल्ट आपको वेक्टर देता है। समझ में आया क्या? तो जब मैं स्केलर वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा रिजल्ट विल ऑलवेज बी वेक्टर, बट व्हेन वेक्टर वेक्टर विल बी मल्टीप्लाइड मींस वी विल टेक द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर, देन इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आइदर स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और हम क्या कहते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को और क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। नहीं समझाना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? मैंने बोला स्केलर वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी, अरे बोलना चाहिए ना वेक्टर, लेकिन वेक्टर वेक्टर को किया तो डिपेंड्स, देन सिचुएशन पर डिपेंड करता है। हो गई बात समझ में आपको? तो बेटे इसका मतलब अगर मैं, मेरे पास मान लो एक है वेक्टर ए और लेमडा कोई स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा लेमडा वेक्टर ए, तो ये क्या आएगा, कोई वेक्टर ही आएगा, है ना बेटे, क्या आएगा, कोई वेक्टर ही आएगा। समझा क्या? हाँ अच्छे से समझा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास वेक्टर ए है 2y 3j 6k, है ना, मैं बोलता हूँ फाइंड 3a, क्या करोगे प्यार से 3 × 2i 3j 6k, ठीक, 3 × 2 = 6i, 3 × 3 = 9j, 6 × 3 = 18k, तो देखो है ना। तो जब तक i और j और k आपके रिलेशन आपके इसमें है ना, आपके रिजल्ट में जब तक i j k जिंदा है तब तक वो वेक्टर है। जिस दिन ये मर जाएंगे मतलब रिजल्ट में नहीं आएंगे तो वो फिर स्केलर हो जाएगा। समझा क्या? तो देखो हमने इसको मल्टीप्लाई किया और हमें क्या मिला, वेक्टर ही मिला। अच्छे से समझा, काई दिक्कत? वेरी गुड। अब देखो हम क्या करेंगे भैया, वेक्टर का एडिशन करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर, अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे सिंपल वाला एडिशन कर रहे हैं आई जे के फॉर्म में। जब वेक्टर, मैंने अभी तक क्या बोला बेटा आपको, वेक्टर आई जे के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर डायग्राम के फॉर्म में हो सकते हैं, है ना, समझ गए? तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जब वो आई जे के फॉर्म में होंगे यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे तब, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं बोलूं कि एक वेक्टर ए है जिसको मैंने लिखा है a1i a2j a3k, मतलब क्या हुआ, आई का एक्स का कंपोनेंट a1 है, वाई का कंपोनेंट a2 है और जेड का कंपोनेंट a3 है, और दूसरा वेक्टर है b, वो है b1i b2j b3k, ऐसा अगर हमें इसे ऐड करने को बोला जाएगा तो हम इसको बहुत मजे से ऐड करेंगे। कैसे? क्योंकि हमें सिखाया गया है सिमिलर क्वांटिटीज आर ओनली एडेड, है ना बेटे, क्या होते हैं सिमिलर क्वांटिटीज आर ओनली एडेड। तो i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, है ना, समझ गए कि नहीं, बात समझ आ रही है आपको? तो a1 प्लस b1 i कैप, a2 प्लस b2 j कैप एंड a3 प्लस b3 k कैप, समझा कि नहीं? ओके, सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड, है ना, सेम बिरादरी में शादी होती है ना, क्या इधर उधर नहीं होती, हो जाती है, आज के जमाने में कुछ भी होता है। क्लियर, बोलो समझ आया आपको? ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं कि बेटा एग्जांपल है वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस टू जे माइनस सिक्स के, सॉरी माइनस सिक्स के, वेक्टर बी 2i 3j और 8k, बताओ a प्लस बी, जल्दी बोलो। अरे ये सब मेरे मुंह से छूटने से पहले आपका, समझ गए, i वाला i के साथ कितना हो गया 3i कैप, 3 प्लस 5j कैप, 8 − 6 कितना हो गया प्लस 2k हो गया, विषय संपला, समझा। अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दे सकते हैं, आपको बोलेगा कि a इतना है b इतना है, a प्लस b का डायरेक्शन बताओ, तो क्या बोल रहा है आपसे, पहले a प्लस b करेंगे, वेक्टर मिलेगा और उसका डायरेक्शन निकालना है, कैसे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, है ना, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा, इजी,
आगे बात समझ में? ओके, फटाफट एग्जाम्पल एग्जाम्पल, इफ ये देखो, चलो ए और बी सेम लिया, मैं कह रहा हूं कोई दूसरा वेक्टर है सी जो बराबर है टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, फाइंड करो सी, ए और बी यही यही लेना है, क्या हो जाएगा बेटे? हाँ जी समझ गए, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, फटाफट इसमें रख देना है बस, 2 a की जगह क्या था बेटा, i प्लस 2j माइनस 6k, प्लस b की जगह क्या था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, ठीक, i वाला पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2i कैप 4j कैप माइनस 12k कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, i वाला i के साथ मिल जाएगा 4i कैप, j वाला j के साथ चिपक लेगा 4 3 7 j कैप, और k वाला k के साथ चिपक लेगा माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4 के कैप, है ना। अगर आपसे बोलता कि 2a प्लस b का डायरेक्शन बताओ, फटाक से यूनिट वेक्टर निकाल लेते, कुछ दिक्कत है बेटे? कर लेंगे इस तरह की चीजें, आगे बढ़ जाऊं मैं, हाँ, तो ये रहा बेटा i j k के फॉर्म में रहेगा, तो फिर उसको ऐड करना, उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करने बोलेगा, तो i वाला i के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड, सिमिलर क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड, समझ गए, कोई अड़चन नहीं है इसमें, आगे बढ़ा जाए, ठीक। अब तो बेटा जैसा कि मैंने बोला कि या तो आई जे के फॉर्म में रहेगा या फिर डायग्राम के फॉर्म में रहेगा, तो डायग्राम के फॉर्म में रहा तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आता है हमारा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बट बिफोर दैट हमको एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और वो है वेक्टर रिजोल्यूशन, क्या? वेक्टर रिजोल्यूशन। वेक्टर रिजोल्यूशन, ठीक है, वेक्टर रिजोल्यूशन मतलब वेक्टर को रिजोल्व करना, ठीक है, और रिजोल्व करना का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना का मतलब होता है ब्रेक करना, ब्रेक करना का मतलब होता है स्प्लिट। आया क्या समझ में? तो एक वेक्टर को स्प्लिट करना, बांटना, क्या कहलाता है बेटा? वेक्टर रिजोल्यूशन कहलाता है, समझ गए? तो चलो मान लो बेटे कि एक वेक्टर है वेक्टर ए, ओके, और वो इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है सपोज, ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, इसको बांटना है, ठीक है, तो इसको बांटने के बांटने का एक तरीका है, कहते हैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ना, ठीक है, बात समझ में आ रही, मतलब उसके जो दोनों कंपोनेंट होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, नहीं समझा, इसको जो दो टुकड़े करेंगे दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करेंगे, समझ गए क्या, अच्छे से समझा, तो चलो कैसे करेंगे बेटा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, है ना, जिस एक्सिस के साथ थीटा बन रहा है उस तरफ आएगा, कितना आएगा बेटा, a cos थीटा, व्हाट इज a मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, यानी इसकी लंबाई, नहीं, तो उसका a cos थीटा इधर आएगा और उसके परपेंडिकुलर में जाएगा a sin थीटा, समझ गए, अच्छे से समझा, अब ये अगर x एक्सिस है तो हम इसको a का x कंपोनेंट बोल सकते हैं, ये अगर y एक्सिस है तो हम इसको a का y कंपोनेंट बोल सकते हैं, या फिर अगर ये मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल सकता हूँ, है ना, a h बोल सकता हूँ, और ये अगर ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, a वर्टिकल बोल सकता हूँ, समझा, तो ये चीजें नाम चेंज हो सकती है कि x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन लेकिन क्या नहीं चेंज हो सकता,
कि कॉस थीटा वाला किधर आएगा और साइन थीटा वाला किधर आएगा। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि थीटा जिस एक्सिस के साथ बन रहा है उधर हमेशा कॉस आएगा और उसके परपेंडिकुलर में हमेशा साइन जाएगा। ठीक, अगर मैं ये एंगल इधर लूंगा तो कॉस इधर आएगा, ठीक है, तो फिर ये बदल जाएगा। तो हमें ये नहीं याद रखना है, हमें क्या याद रखना चाहिए कि थीटा जिसके साथ बन रहा है, जिस एक्सिस के साथ आपको एंगल दिया हुआ है उधर हमेशा कॉस वाला लेंगे और उसके परपेंडिकुलर, समझ गए। तो आपका मन करेगा सर परपेंडिकुलर तो इधर भी ले सकते थे, है ना, तो भैया वो जो है ना, जो जिसको आपने तोड़ा वो उसके बीच में रहना चाहिए, उसको छोड़ नहीं सकते आप, समझा कि नहीं, क्लियर है। इधर ले लेंगे तो फिर तो ये, समझा ना क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है मेरी बात। और पता है बहुत लोग इतनी होशियारी करते हैं, कई बार इसको मस्त तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद फिर इसको भी समझेंगे, इसको भी समझेंगे और इसको भी समझेंगे। ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कभी सिंप्लीफाई करते वक्त इसको ब्रेक भी कर लिया और फिर इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, मतलब वही वाली बात होगी, हमारे दो टुकड़े हो गए तो हम कितने हो गए, तीन, एक मैं, एक दो और, अरे दोनों में से कोई एक ही चीज रहेगा ना, या तो मैं पूरा रहूंगा या तो मैं दो टुकड़ा रहूंगा, है ना। तो ये वाली गलती नहीं करना, बहुत लोग करते हैं ऐसा, इसको तोड़ के ये बनाया ना तो ये खत्म हो गया ना, नहीं समझा। तो या तो ये पूरा है अदरवाइज इसके दो टुकड़े हैं, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो बेटे अब आपको समझ में आ गया तो फटाक से बोलो, ये है 10, ये है 37 डिग्री, बताओ इधर का कंपोनेंट, बताओ इधर का कंपोनेंट, चलो बोलो जल्दी बोलो, इधर क्या, tan cos 37। बहुत बच्चों को तो अभी 37 का एंगल ही नहीं पता है ना, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, 37, हमको तो 30 भी नहीं पता सर, 37 तो गोली मारो आप कितने लोगों को नहीं पता है, अगर ये नहीं पता है तो आप बहुत खुश नसीब हैं। चलिए cos 37 जल्दी बोलो बेटा, है ना, क्लियर है ना, 4/5। तो बेटे क्या हो गया, ये 8 हो गया और इधर क्या हो जाएगा बेटा, 10 साइन 37, साइन 37 कितना हो गया बेटा, 3/5, तो ये हो गया 6, तो इधर आया 8, इधर आया 6, अच्छे से समझा, ओके। इधर लिया मैंने 6√2, एंगल लिया मैंने 45, बता दो बता दो बता दो, इधर कितना 6 और इधर कितना, समझ गए, मजा ही आ गया, कोई टेंशन नहीं, कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, पक्का ना, बहुत अच्छी बात है। तो अब इसका क्या फायदा है, बहुत फायदा, ये सबसे ज्यादा आगे चल करके यूज होने वाला चीज है वेक्टर का रेजोल्यूशन, इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो यूज होगा पूरे 2 साल वेक्टर का कोई चीज, वो है वेक्टर का रेजोल्यूशन, है ना। तो आपने देखा ही है पूरा फोर्स आपने पढ़ा है ना, तो क्या होता था, वेक्टर को रिजोल्व करना पड़ता था, पूरे फोर्स पूरे NLM में आपने क्या किया, वेक्टर को ही रिजोल्व करते बैठे, है ना। तो वेक्टर रिजोल्यूशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि ये एक पार्टिकल है, इस पर एक फोर्स लगा इधर 8 न्यूटन, एक फोर्स लगा इधर 6 न्यूटन, एक फोर्स लगा इधर 10 न्यूटन, एक फोर्स लगा इधर 20 न्यूटन, एंगल था 37 डिग्री, एक फोर्स लगा इधर, एंगल था 53 डिग्री, चलो, और ये था वैल्यू 10, ठीक है, ये था वैल्यू 10, तो आप मुझे नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स बताओ, तो कैसे करेंगे, है ना, चलो ट्राई ट्राई। तो यहां पर यूज होगा, एक मैं करके बताऊं कि आप ट्राई करोगे, बोलो, अरे बच्चे बोलो ना, चलो करो, ये हुआ ना, ये इसको कहते हैं स्पिरिट, है गुड स्पिरिट, स्पिरिट मतलब तेजाब, आया,
एटलीस्ट ब्रेक तो कर सकते हो ना। बोलना पड़ेगा ले। चलो भाई, तो इसे क्वेश्चन को कैसे करने का देखें। तो बेटा ये तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, ये भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, ये भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इसका हमें टेंशन नहीं है, ये नहीं है, तो इसको कर सकते हैं अपन, तोड़ सकते हैं। इधर क्या आएगा बेटा, 10 cos 53, बोलो कितना हुआ, समझ गए, 10 cos 53, तो ये हो गया तुम्हारा 6। इधर क्या चला जाएगा बेटा, बोलो कितना रहे, 8 आ गया, तो इसका काम हो गया, हटा दो इसको, नहीं समझा, इसका काम हो गया, इसको तोड़ के तो हमने ये दोनों बनाए, यहीं पे गलती करते हैं, इसको भी मस्त तोड़ लेते हैं, इसको भी रखे रहते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं इसको कैसे करें, है ना, ऐसा नहीं करना है। अब इसी तरीके से इसको बताओ इसका क्या आ जाएगा बेटा, बोलो कितना, 16 है क्या, 20 cos 37, है ना, cos 37 का वैल्यू क्या, 4/5, तो 5 × 20, 4 × 16, उसी तरीके से इधर क्या चला जाएगा बेटा, 20 sin 37, 3/5 है तो 12 हो गया, ये सही कराना मैंने, तो इसका भी काम हो गया बेटा, नहीं समझा, बोलो इसका भी काम हो गया। तो अब देखो बेटा, सबका डायरेक्शन लगा लो, ये कौन सा आई कैप, ये 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 जोड़ लो सबको, कितना हो गया, आई वाला सब देख लो, -10i -16i कितना हो गया, -26i और 8 और 6 14, तो -26i प्लस 14 आई कैप और 12 8 20 जे कैप -6 जे कैप, कितना बचा बेटा, 14 जे कैप प्लस 14 जे कैप, ठीक है, तो ये हो गया 12 माइनस 12 आई कैप, है ना बेटे, प्लस 14 जे कैप, दिस इज टोटल फोर्स, नहीं समझा, अरे बोलो, अब इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिएगा, निकाल लूँगा कैसे, जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते थे, मुझे डायरेक्शन चाहिए होगा निकाल लूंगा, कैसे, जैसे वेक्टर का निकालते थे, जे का कोफिशियंट अपॉन आई का कोफिशियंट, नहीं ना समझ आ रहा बेटा, अच्छे से समझ आया, वेरी गुड, शाबाश। अब मैं अगला दूंगा तो बनना चाहिए, ठीक है, बनाओगे ना, ठीक है, ये देखो, मान लो हमने बोला कि ये है एक्स एक्स, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है, मैंने बोला कोई जो है वो 6 मीटर ईस्ट गया, 8 मीटर नॉर्थ गया और यहाँ से 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड गया, वर्टिकली अपवर्ड गया, ठीक है, तो क्या फाइंड करना है बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट,
चलो फटाफट बताओ। शाबाश, किसने बोला? हिना, वेरी गुड, शाबाश। समझा क्या? कैसे करा बेटा? है ना, तो इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे, इसको वाई मान लेंगे, और वर्टिकली वाला क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, है ना बेटा। तो ये क्या हो गया? 6i कैप, ये क्या हो गया? 8j कैप और 10k कैप, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा? 6i 8j प्लस 10k कैप, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। तो एक वेक्टर फॉर्म में आ गया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर 36, है ना, 64, और 100 कितना है बेटा? √2, 10√2, है ना। तो बहुत ही आसान हो जाता है इससे हमारा काम, है कि नहीं बेटे? तो NLM आप देखते थे, एक ही चीज पर कितने कितने फोर्स लगते थे, है ना। हमें फिर उनको ब्रेक करना पड़ता था, तो वहां पर क्या यूज करते थे? वेक्टर रेजोल्यूशन यूज करते थे। तो कर लिया करेंगे बेटा वेक्टर रेजोल्यूशन अपन, अच्छे से समझा? वेरी गुड, आगे बढ़ जाऊं। तो बेटे अभी अभी जो मैंने आपको वेक्टर रिजोल्यूशन सिखाया है ना, वो क्या था? प्लेन में तोड़ रहे थे, है ना। कहाँ तोड़ रहे थे? प्लेन में, है ना। अगर स्पेस में रहे तो, अगर एक वेक्टर स्पेस में है फिर उसको कैसे तोड़ेंगे? चलो देखते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन इन स्पेस। वेक्टर रिजोल्यूशन इन स्पेस, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या मतलब होता है इसका? तो भैया स्पेस की बात हो रही है, मतलब तीनों एक्सिस होंगे, मतलब तीनों कंपोनेंट होंगे, आई भी होंगे, जे भी होंगे और के भी होंगे, है ना। तो भैया ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये ऐसा जेड एक्सिस है ना। ऐसा चलो इधर ले लेता हूँ, जैसे जेड एक्सिस, ठीक है। तो बेटे कोई चीज है ना, यहां से ऐसा ऐसा हवा में है, तो क्या हो गया? स्पेस में हो गया। अब मैं हवा में तो दिखा नहीं सकता, मैं कैसे दिखा रहा हूँ? ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका वेक्टर हो गया। सपोज ये वेक्टर कितना है बेटा? ए है ना। वेक्टर चूंकि स्पेस में है तो क्या होगा? तीनों कंपोनेंट होंगे इसके, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, ऐसा होगा, समझा बेटे। तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के साथ बोलूं कि ये अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस साथ के बोलूं बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ क्या? गामा एंगल बना रहा है ना बेटे। तो अभी अभी देखो मैंने सिखाया था आपको, इसका मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा? मॉड ऑफ ए, यानी ए ओनली ओनली ए विदाउट एरो मैग्नीट्यूड बताएगा। इसका इधर तोड़ेंगे क्या आएगा बताओ? बोलो बोलो, इसका इधर क्या आएगा? ए है, इधर क्या आएगा? अल्फा है इसके साथ, ए कॉस अल्फा, बाबा ए कॉस अल्फा, है ना। तो ए कॉस अल्फा जो टूटेगा वो किसके अलोंग है? एक्स के अलोंग। तो वो क्या हुआ? उसका एक्स कंपोनेंट हुआ, है ना। तो बेटे जो इसका ए कॉस अल्फा करेंगे वही क्या होगा? उसका एक्स कंपोनेंट होगा, नहीं समझा? तो देयर फोर कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? ए एक्स अपॉन ए। ए एक्स क्या है? उसका जो एक्स कंपोनेंट है, और ए क्या है? इसका टोटल मैग्नीट्यूड। कैसे कैसे मैग्नीट्यूड मतलब कितना? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर एंड ए जेड का स्क्वायर। तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ए एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स के स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर एंड ए जेड के स्क्वायर। यहां से हमें क्या निकल जाएगा? अल्फा निकल जाएगा कॉस के टर्म्स में, नहीं समझा? क्योंकि कॉस यूज हो रहा है ना, इसलिए इसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। कॉस, कॉस कॉस का पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन। टेन का पूरा नाम क्या होता है? टेंजेंट। साइन साइन ही है, समझा? आया कि नहीं बात समझ में? ओके, उसी तरीके से इसके साथ देखो तो क्या होगा? इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा। क्या आएगा इधर? ए कॉस कौन सा कंपोनेंट देगा मुझे? ये वाई, वाई की ओर ना, समझा? तो ए कॉस बीटा इक्वल्स टू क्या? ए वाई। तो देयरफॉर कॉस बीटा बराबर क्या?
डी वाई बाय ए, है ना, वाई कंपोनेंट अपॉन टोटल करेंगे तो उसके साथ का एंगल मिल जाएगा। तो ए वाई अपॉन स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर कॉस बीटा। ठीक, सिमिलरली इसके साथ बेटा जेड के साथ समझ रहे हो, तो कॉस गामा बराबर हो जाएगा ए जेड बाय ए, है ना, यानी ए जेड अपॉन स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर। इजी ना? अरे फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं है? तुम लोग मेरा भरोसा ही नहीं करते, बहुत आसान सब्जेक्ट है कि नहीं? भरोसा नहीं ना, नहीं है, है? गोगावली नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं। अरे हुआ, चलो अगर मैं बोलूं कि बेटा हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए बराबर आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, बताओ इसका डायरेक्शन को साइंस, तो क्या बोलोगे? निकालो इसका डायरेक्शन को साइंस, डायरेक्शन को साइन निकालो इसका, वेक्टर ए बराबर आई प्लस टू जे प्लस थ्री के का डायरेक्शन को साइन निकालो। मतलब डायरेक्शन को साइन निकालने बोला मतलब क्या, अल्फा बीटा और गामा निकालना है। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा निकालना है, चलो फटाफट निकालो, है ना। कॉस अल्फा निकालना होगा तो एक्स कंपोनेंट कितना है, वन वन, तो वन अपॉन स्क्वायर रूट वन फोर नाइन कितना हो गया रूट फोर्टीन, तो कॉस अल्फा बराबर वन अपॉन रूट फोर्टीन, तो अल्फा बराबर क्या हो गया कॉस इनवर्स वन अपॉन, सॉरी भूल लगाया है नहीं, है ना, तो कॉस अल्फा निकालना होगा तो ए एक्स बाय ए करेंगे, ए एक्स हमारा क्या है बेटा वन वन अपॉन, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रूट अंडर फोर्टीन। ठीक है, तो कॉस अल्फा बराबर हो गया वन अपॉन रूट फोर्टीन, देयर फोर अल्फा बराबर कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट फोर्टीन। सिमिलरली कॉस बीटा बराबर टू बाय रूट फोर्टीन, सिमिलरली कॉस गामा बराबर थ्री बाय रूट फोर्टीन, बहुत ही आसान है ना, तो देयर फोर बीटा बराबर कॉस इनवर्स टू बाय रूट फोर्टीन है, और गामा बराबर कॉस इनवर्स थ्री बाय रूट फोर्टीन। इजी, समझ गए बात को, चलो तो एक काम करते हैं, वेक्टर एडिशन कल ही करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लो, है ना, शो मी। अपनी पूरी जमीन जायदाद इसी के अंदर डाल देती है, हाँ? क्या है ये, पूरी संपत्ति इसके अंदर डाल देती है, हाँ? चलो आ जाओ पेज नंबर कहाँ गया 53, 1 2 3 4 ऐसा कर लो चारों, और ये चेक पॉइंट 2.1 है ना, इतना कर डालो, फिर अपन कल करेंगे वेक्टर एडिशन, मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड वो सब। चलो फटाफट,
क्या बोला, फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडिंग टू द वेक्टर दिस एंड दिस दैट द रिजल्टेड वेक्टर इज अ यूनिक वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, है ना। इसमें किस में बोला, इसमें इसमें ना, तो i माइनस 3j प्लस 2k और 3i प्लस 6j माइनस 7k में क्या जोड़ूं। तो मान लो वेक्टर कुछ भी नाम रख दूं, x जोड़ूं, तो इन सब का टोटल क्या आना चाहिए, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस क्या होता है, j क्या है, सिंपल। ठीक है, हमें ये निकालना है, क्या होता है वेक्टर, अच्छा आपको देखना है। कौन सा क्वेश्चन था, चेक पॉइंट का नाइन्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला, इतने और इतने में क्या जोड़ूं कि मेरे पास क्या है रिजल्ट, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो ये हमें तो पता है भाई, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है, जे कैप होता है। ठीक है, तो माना हमने कि क्या ऐड करना पड़ेगा, x ऐड करना पड़ेगा, है ना। चलो हो गया, i प्लस आई क्या हो गया बेटा, i प्लस 3i 4i हो गया, 3j प्लस 6j क्या हो गया 9j हो गया, और 2k माइनस 7k क्या हो गया माइनस 5k प्लस x वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू j कैप। इसको उधर भेजा तो x कहाँ पे, ये माइनस है और ये, हाँ ठीक है, बाकी ठीक है ना। तो ये क्या हो गया माइनस 3j प्लस 3 प्लस 6j बराबर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 3j हो जाएगा, है ना, प्लस 3j क्या। ठीक है, और माइनस 5k और प्लस x कैप इक्वल टू क्या हो गया j कैप, तो x सॉरी x वेक्टर बराबर, तो j माइनस 4i माइनस 3j और प्लस 5k। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा माइनस 4i और क्या हो गया माइनस 2j और प्लस 5k, दिस वेक्टर वी हैव टू एड, नहीं समझा क्या, ये सब करने की जरूरत नहीं। और बोलो बच्चे, ठीक है, तो कल अपन कर लेंगे ट्रायंगल लॉ, मतलब लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कर लेंगे, और क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके।